मेरा सच ये है कि मेरा कोई सच नहीं। कितने नाम हैं मेरे, कितने चेहरे। झूठ को झूठ में लपेटता हूँ, नकाब को नकाब से छुपाता हूँ। मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ, कभी मर्जी से कभी मजबूरी से। लोग मुझे मुखबिर कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ लड़ाई के इस मैदान से जहाँ हमारे हजारों भाई शहीद हुए। हमारे इस मुल्क की जमीन को निचोड़कर शैतान हमारे खून का एक एक कतरा पीना चाहता है। हमारे नाम और निशान को मिटाना चाहता है वो। यह गलत है। गलत है कि एक कोई सोच पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले, बाकी सबको मिटाने की कोशिश करे। अपनी जंग को हम दुनिया के हर एक देश, हर एक शहर, हर एक गली तक ले जाएंगे। दुश्मन हर जगह छुपा है, उसे पूरी तरह खत्म करना है। या तो वो मिटेगा या फिर हमारा आखिरी सिपाही लड़ते लड़ते दम तोड़ देगा। हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपनी सच्चाई, अपनी दुनिया को पाक रखने के लिए लड़ रहे हैं। अब लड़ाई का एक नया तरीका शुरू होगा जो आज तक ना इस दुनिया ने देखा है ना सोचा है। तुम्हें हमारा मकसद कबूल है? जी हुजूर। दुनिया की किसी फौज से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो सिर्फ इन मुखबिरों की जात से, क्योंकि वो दोस्त बनकर हमारे अंदर तक पहुंच जाते हैं और हमें अंदर से तोड़ देते। ये मुखबिर, होशियार है ना इनसे? कुछ इस तरह से मैंने जीवन सजा लिया, कुछ इस तरह से मैंने जीवन सजा लिया। हर बार एक नया चेहरा लगा लिया। तख्तीर की लकीरें हाथों में रुक गई, कदमों की आहटों से मंजिल ठहर गई। अपनों की आरज़ू को हर पल मिटा दिया। हर बार एक नया चेहरा लगा लिया। माता, तुम्हारा बेटा तुमसे शरण की भीख मांगने आया है। इसके प्रसाद को स्वीकार कर ले और इसके मन की इच्छा पूरी कर ले। अनजानी राहों में
कहो। महेंद्र थापा का पता लग गया सर। We have him on our side. बड़ी मछली। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। शो मी। सर, यही है महेंद्र थापा। नेपाली 6 महीने पहले बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में आया। He is a very dangerous man, sir. Wanted for 20 political murders. Interpol की रेड कॉर्नर अलर्ट है इस पे। 20 मिनट पहले हमें खबर मिली कि आंध्र प्रदेश में एक नक्सलाइट दल के साथ घूम रहा है। इनफैक्ट इस वक्त हम जीपीएस ट्रैकर की मदद से इस तक पहुंच रहे हैं। बताइए। हमें आज रात ही सरप्राइज अटैक करना होगा सर। आपके ऑर्डर चाहिए। अटैक एंड किल। उन्हें न कोई वार्निंग मिलेगी न ही बचाव का मौका। हम इन लोगों के साथ कोई चांस नहीं ले सकते सर। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। पहले ये बताइए खबर आई कहाँ से? सर, मेरा एसपी इंटेलिजेंस राठौर जो एक्सपर्ट स्पॉट पे हैं, ये खबर उसी ने भेजी है। इंटेलिजेंस का कोई इन्फॉर्मर दल में घुस गया है? सर, उसकी खबर तो सिर्फ राठौर के पास है। लगाइए राठौर को फोन। यस सर। दिस सेम। सर, आपको यस। हेलो राठौर, दिस इज सुब्रमण्यम। हाँ हेलो सर, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। होम मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। गिव। हेलो, एसपी राठौर रिपोर्टिंग सर। खबर पक्की? यस सर, इस वक्त जीपीएस पर हिलता हुआ निशान मेरा आदमी है, उसी ने टारगेट को आइडेंटिफाई किया है। मैं सरप्राइज अटैक का ऑर्डर दे रहा हूँ। सरप्राइज अटैक? उनसे कहिए कि एरिया से फौरन निकल जाए। लेकिन सर, उसे वार्न करने का कोई तरीका नहीं है। सेल वगैरह नहीं उसके पास? वो लोग रखने नहीं देते सर। अगर ऐसी कोई चीज उनके पास मिल जाए तो स्पॉट पर ही मार डालते हैं। हमारे कमांडो से पहचान सकते हैं? नहीं सर। क्या नाम बताया उसका? नहीं बताया सर। अगर नहीं बताया तो वो भी मारा जाएगा। I'm sorry. सर, सर, वन मिनट। सर, फोन मत काटिएगा प्लीज। सर, सर, एक रिक्वेस्ट है। कहो। हमले के वक्त मुझे स्पॉट पर रहने की परमिशन चाहिए। ग्रांटेड। थैंक यू सर। सर, ये फोन आपका पर्सनल है, मैं इसे बचा के रख सकता हूँ। पहले अपने मुखबिर को बचाइए। इंटरेस्टिंग फेलो, दस रात हो रहा, मिलना चाहूंगा। यस सर। बाहर का लीडर आया है ना, इसलिए। दोपहर में एक पुलिस वाला मिला, और दो भी थे लेकिन भाग गए। क्या है इसमें? चलो अभी जाओ। ये पकड़। यहां से ठीक 1 किलोमीटर, 607 मीटर, समझे? 607 मीटर। राठौर, एसपी इंटेल। कैप्टन दौरजी, स्पेशल टास्क फोर्स ग्रेहाउंड्स, और यह है कैप्टन वीर सिंह। 1 घंटे से उनकी पोजीशन हिली नहीं, क्यों? उनका कैंप लग गया। लकड़ी का उधर है, चले क्या ना? नहीं, तू जा अकेला। कॉमरेड, उठ! एक सच्चा सिपाही का क्या फर्ज बनता है? टू फाइट अनटू डेथ कॉमरेड, मरते दम तक लड़ते रहो। हम्म।
तू सो जा। Prepare for Alpha. Alpha, come back, position. आपका आदमी भी इस वक्त उनके साथ। इसलिए तो आया है, उसकी खाल बचाने। कोई और है जीप में? बैठो। उन्हीं के कपड़े पहना के ले आया। कौन है वो? कोई एक्सट्रीमिस्ट होगा, कोई रेपिस्ट या सीरियल किलर। उठा ले आया होगा लॉकअप से। जब उनके लोग बॉडी काउंट करेंगे तब सब सही निकलने चाहिए। ओ सब पोजीशन में ऑर्डर देते ही फायरिंग स्टार्ट होगी। एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले साइलेंसर से इस पहरेदार को उड़ाइए, उसके बाद 7 सेकंड तक फायरिंग रोक दीजिए। 7 सेकंड बहुत ज्यादा है, उनके लोग फायरिंग शुरू कर देंगे। ओके 5 सेकंड, 3 से ज्यादा एक पल नहीं। Meet over a drink sometime. You're welcome. Hmm.
गुमनाम जिंदगी, अनजान रास्ते, चलते हैं साथ साथ सदियों के फासले, जीने की आरजू ने मुखबिर बना दिया, जीने की आरजू ने मुखबिर बना दिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया, कुछ इस तरह से मैंने जीवन सजा लिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया। क्या हुआ बेटा? अभी अभी खबर मिली है कि खतरनाक नेपाली माओवादी महेंद्र थापा को ग्रेहाउंड्स कमांडोज ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। 34 साल के महेंद्र थापा के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था और वो एक खतरनाक आर्म्स एक्सपर्ट है। महेंद्र थापा के भारत में छिपे होने की सही जगह का पता कुछ ही घंटे पहले चला है। सर, होम मिनिस्टर की कुर्सी फील्ड की असलियत से दूर होती है, इसीलिए जानने की इच्छा है। रिलैक्स, नाम बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये किस तरह का आदमी है जो अपनी जान से बार बार खेलता है। वो आदमी नहीं, एक लड़का है सर, 19 साल का। अच्छा, हम बच्चों से ऐसे काम कराते हैं? दुनिया के सारे इन्फॉर्मर्स की यही तो कहानी होती है सर। 12 साल की उम्र में एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसके माँ बाप मारे गए, रिश्तेदारों से बनी नहीं, भाग गया, सड़क पर आ गया। 18 साल की उम्र में एक राउंडअप में पकड़ा गया। वैसे लड़का बेगुनाह था सर, मैंने उसके साथ वही किया जो हर इंटेलिजेंस ऑफिसर करता है। 6 साल के लिए अंदर जाएगा, बाहर निकलने पर अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक रास्ता है, सजा से भी बच जाएगा, थोड़ा पैसा भी मिलेगा। क्या ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं? जब बेगुनाह होने पर भी किसी बच्चे से दुनिया मुंह मोड़ लेती है तो वो बच्चा अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। पैसा तो सिर्फ एक बहाना है सर, मेरे अपने वजूद को संभालने के लिए। खोल दिया। ठीक है, ये खोल के दिखा। वो तो 3 लीवर का था। ए, चाबी से नहीं, तार से। ढूंढे दिल सदियों से, अनजाने राहों में ढूंढे दिल सदियों से, अनजाने। गुड फायर। हम लोगों की तरह आम इंसान है, दिल में कई ख्वाहिशें लेकर घूम रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम मौत को नहीं देखते, वो रोज देखता है। और फिर मैं चलूं सर। आप कुछ और भी कहना चाहते थे? मुखबिर को सबसे बड़ा खतरा अपने दुश्मन से नहीं होता सर। तो फिर कहां से? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से। आप कहना चाहते हैं कि उन्हें हमारे लोग ही खत्म कर देते हैं? क्यों? मैं ऑलरेडी कुछ ज्यादा ही बोल गया हूं सर। कुछ ही महीने बाद मेरी रिटायरमेंट होने वाली है। प्लीज सर, मैं अपनी बाकी की जिंदगी शांति से गुजारना चाहता हूं। हेलो। अच्छा, एक हफ्ते बाद लौट आना हैदराबाद मेरे घर पर। अंजू,
कैसा है ऋतु? ठीक हूँ माँ जी। आ बैठ। कौन है? कैलाश आया है। राहुल। माँ जी, वो पीछे का नल लीक हो रहा है, उस दरवाजे पे बोल्ट भी नहीं है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। वो सब मैं तुम्हारे बाबूजी से करवाऊंगी, तुम खाओ। माँ जी, उन्होंने फिर से मेरी जान बचाई, मैं उनके एहसानों का बदला कैसे? ये पुलिस वालों का एहसान मत मान बेटे, यही फंसाते हैं और फिर जान बचाने के लिए चले आते हैं। अजय, कैलाश की जान तुमने फिर से खतरे में डाली, कितने मरे अब तक? 11, 12? कैलाश नहीं मरना चाहिए, वादा करो। बाबूजी, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं। तो करोगे क्या? इस काम के अलावा तुम्हें और आता क्या है? मेरे पैसे हैं ना, कितने हुए अब तक? कुल 4.5 लाख। बस 1.5 साल की मेहनत और इतने खतरों के बाद 4.5 लाख? बाबूजी। ए, पैसा ऊपर से नीचे तक सब में बंटता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस जंगल में नहीं भेजूंगा। कम से कम 10 लाख तो हो जाने दे, फिर चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ताला नहीं बदलना, पोस्टर नहीं चिपकाना, राड नहीं लगाना, दोस्तों को नहीं लाना, टेप रिकॉर्डर नहीं लगाना और शोर नहीं करना। ओ, तो बच्चे ठीक कह रहे थे, तुम क्लास 10 में पढ़ते हो? ये दाढ़ी वाड़ी के साथ क्लास में बैठते हो? बीच में कुछ साल रुकावट आ गई ना, सब भूल गया हूँ। तो अब तो भारी पड़ रहा होगा ना, ट्यूशन चाहिए? नहीं नहीं, खुद ही कर लूंगा कुछ ही महीनों में। आई लाइक दैट स्पिरिट। रोशनी, कैलाश, बाय। तेरे बिना कोई न मेरा, मेरा ये मन दीवाना तेरा, किसी को कोई मिलता है कहाँ, मिल गया मुझे हवा का जहाँ, सजना मेरा सजना, सजना सजना सजना, तेरे बिना कब तक उस मासूम को झूठ बोलते रहोगे? भारती, इतने सालों में तुमने ये भी नहीं जाना कि मेरी दुनिया में सच और झूठ जुड़वा भाई की तरह होते हैं, कौन कौन है ये कभी माँ बाप भी नहीं बता पाते। फिर झूठ? धरे ना 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 धरे
कैलाश भैया, तुम्हारे मामा जी आया है तुम्हें लेने। तू चल, मैं आता हूँ। हाँ। मामा जी आए हैं, शादी है उनके घर पे, मैं एक हफ्ते में लौट आऊंगा। रोजा रख। अपनों का ना कभी गैरों का बन सका, सांसों की आंसू का हिस्सा ना बन सका। चलो। मेरे वजूद को सबने भुला दिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया। क्या करते हो? मैं ताले खोलता हूँ। क्या नाम है तेरा? कैलाश। और तुम्हारा? विनायक मराठे। तेरा नया नाम है विनायक मराठे, तेरे पिता का नाम देवी प्रसाद मराठे, हैदराबाद के डॉन मामू का पुराना शूटर। तुझे पता है नागपुर का हूँ मैं, नागपुर में एक से एक लौंडियाँ मिलती है। तुम्हें उसकी तरह बोलना, चलना, सोचना हर बात सीखनी होगी बहुत जल्दी। और कुछ कुछ बंदूक चलाना मैंने भी सीख लिया है, ताले खोलना जानता है, सिखा दूंगा तुझे। इसे तो मैं यूँ चुटकी में खोल दूंगा, चुटकी में। याद रखो, वक्त बहुत कम मिलेगा। एक, चलो बाहर निकलो। चल। कुछ इस तरह से मैंने जीवन सजा लिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया। तकदीर की लकीरें हाथों में रुक गईं, कदमों की आहटों से मंजिल ठहर गई। अपनों की आरजू को हर पल मिटा दिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया। दिल को तसल्ली चाहिए तो सुन, दो बार जेल गया था 10-12 साल की लड़कियों को रेप करने के जुर्म में, छूट गया। जिस गैंग के पास मैं तुझे भेजा रहा हूँ उसका बॉस है मामू, दिखने में है थका हुआ बुढ़ा लेकिन है बहुत तेज। उसके बाद पाशा और बीजू, तुम्हें पाशा के नजदीक पहुंचना है। बेवकूफ, तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उस पर तरस खाते बैठेगा तो सब भूल जाएगा, फिर तेरा नंबर आएगा, समझा? इसको बाद में 4 मीनार पे छोड़ देना। यस सर। हफ्ते में 3 बार अलग अलग जगहों पर मैं तेरा इंतजार करूंगा। पेपर कहाँ है? इसने सब लिखा है, पढ़ ले और इसे पहन ले। कौन है, काहे को आए? विनायक मराठे, नागपुर से। आजा आजा। ए, ये अपना ही छे। ठीक है। कोई सेलफोन वगैरह तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। साथ में सेलफोन वगैरह मत ले जाना, देख लिया तो फौरन तेरा गला काट देंगे। लड़का आया है विनायक मराठे नाम का, नागपुर से। जिस गैंग के पास मैं तुझे भेजा रहा हूँ उसका बॉस है मामू, दिखने में है थका हुआ बुढ़ा लेकिन है बहुत तेज। नमस्ते साहब। मामू चाचा। हाँ मामू बोल, बस है, बैठ। तू तो सुबह आने वाला था ना, किधर भटक रहा था? वो चूल्हे से जरा लेट हो गया, बाबा ने ये भेजा आपके लिए।
तेरे बाप की पहली गोली 30 साल पहले उसने चलाई। चार मीनार के पास दंगे फसाद हो रहे थे, एक पागल तलवार लेकर मेरे को मारने के लिए आया, तेरे बाप ने फायर किया, मेरी जान बचाई। हाँ ये देख, ये देख, इसमें इसमें हम दोनों के नाम लिखे हैं। अच्छा तेरे को मालूम नहीं था कि इस लिफाफे में क्या है? मेरा बाप कुछ नहीं करता, वो बैठा रहता है मेंढक की तरह आजकल घर पे, कुछ बोलता ही नहीं। नहीं तो मामू, घर का नंबर बोल। 0712-8765-4382। हेलो, क्या रे देवी, कौन, कैसा है तू? कौन मामू, मैं ठीक हूँ। तू बेटे को बोला नहीं कि लिफाफे में क्या है? लिफाफा नहीं बोला होगा। ले तेरे बाप से बात कर। ए विनया बहुत सलास का। ए विनया मेरा बहुत सलास का। जास्ती उंगली केलीस तार मामू फुट के दिल। ए फोन मामूला। हाँ बोल मामू। बच्चा गरम होगा ना अपना पुराना मामूला। तेरा बाप बोला अगर तू काम ठीक से नहीं करता तो चड्डी उतार, छड़ी से मार। अरे किधर जाता है, बैठ बैठ बैठ। पत्ते पत्ते खेलता है? हाँ। क्या गेम खेलता है तू? रम्मी, तीन पत्ते, कोई भी। पैसा है? हाँ। निकाल, चल चल, निकाल 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 और निकाल। पैसा है? नहीं, जेब खाली। खाली जा फिर, काम देख ले। मामू एक 100 की पत्ती उधार मिल सकती है? जा इसको काम दिखा, एक तो हार गया ऊपर से उधार मांगता है। चल। ए छोटू इसको दीदी से मिलवा दे। पाशा जोर से दबाना। एक मर्द बस नहीं तेरे को, एक छोकरा भी चाहिए। तू करना, अच्छा लग रहा है। पाशा विनायक मराठे। अरे वो देवी प्रसाद था ना, नागपुर वाला अपना पुराना शूटर, उसका पोटा। तुम्हें पाशा के नजदीक पहुंचना है। आदाब पाशा। क्या करने को आता रहे तेरे को? मैं ताले खोल सकता हूँ। जा उसको खोल को बता। और क्या आता तेरे को? बस ऐसे ही सब, ये वो कर लेता हूँ।
पत्ता खेलने को नहीं आता? मामू के साथ खेलते खेलते सुधर गया। उनके साथ कभी नहीं खेलना। हाँ, पूरे पत्तों पर मार्किंग कर लिए, नंगा करके घर को भेजाते। आते ही उन्होंने मेरी जेब चुरा ली और तूने मेरा दिल। जा, फिर बुलाऊंगी। Hey! और एक बार हंस के दीदी को लाइन मारा, ब्लेड से होंठ काट देता हूं। पाशा इतना गुस्से से क्यों बोलता है? फुल स्टोरी जल्दी बोलता हूँ। मामू का दामाद सत्ती को ना खटमल लोगा लॉकअप में ही छुड़ा दिया। उसके बाद से मामू को ऐसा हार्ट अटैकिंग हुआ कि मामू तो बैठ ही गया। दीदी और बीजू पूरा धंधा चला रहे तब से, और मामू खाली पत्ते खेलता। बीजू कौन है? मामू का बेटा? वो मामू की रखेल का बेटा है। उसकी अम्मा मुसलमान, हम लोगों का कायस्त। उसकी अम्मा यहाँ नहीं आ सकती। बीजू को कोई सपोर्टिंग नहीं है ना, एज प्रॉब्लम। लेकिन पाशा भी तो मुसलमान है। पाशा दीदी का लवर है। दीदी जो बोलती वो मामू सुनता। पहले से ऐसे ही पाशा 2 साल पहले शूटर था, अभी दीदी को बता के हम सब पे हुकूमत करता, एज प्रॉब्लम। चल अभी जल्दी साफ कर, आज बड़ा स्पॉट होने वाला है, बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही। गाड़ी घर से निकल गई, 10 मिनट में पहुंच जाएगी। ठीक, 1, 2, 3, 4 नंबर गाड़ी के पास। मेरा नंबर है 1। यूसुफ तू 2 नंबर पे, लेफ्ट साइड से पहुंच। पहले गनमैन कुमार, फिर सामने आके ड्राइवर कूड़ा। रजा जी तू 3 नंबर। हाँ, लेफ्ट से आके मिनिस्टर कुमार। ओके, 6 के 6 खाली कर दो, फिकर नहीं जी। श्रीकांत हाँ, 13 नंबर 4। तेरा टारगेट मिनिस्टर की बीवी और बेटी। विक्की रेड्डी चलम, पिस्टल पब्लिक को दिखाओ, कोई भी रोकने आता उड़ा देना। शेखर राजू मस्तान, जो यूसुफ दिखाया तुम वो ऑटो चलाते। 11, 12 छोटू विनायक, तुम लोग पब्लिक को देखो, कौन देख रहा कौन नहीं भाग रहा। कोई सेल्फ उनसे फोटो खींचे तो मेरे को इमीडिएट इशारा करके दिखा दो। और 5 मिनट है अभी, कोई जल्दबाजी नहीं, सब काम आराम से होगा। गाड़ी स्टेडियम से निकल गई। स्टेडियम के पास 2 मिनट और है। ए पाशा। बोल मेरी जान। अरे वो विनायक को नाश्ता खिलाए। हाँ? वो बेचारा ऐसे ही बस स्टॉप पे आ गया होगा ना। नाश्ता आओ, अब खिला देता हूँ। बराबर से खिला। श्रीकांत। हाँ भाई। तू 11 नंबर पे जा। ठीक है भाई। 4 नंबर तेरा। 4 नंबर बीवी बेटी तेरी, और अगर निशाना सरक गया मैं तेरे को सरका दूंगा स्पॉट पे। मैं अपना दिल साफ रखूंगा बाबूजी, किसी की जान नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें अंगारों पे चलना होगा, लेकिन तुम्हारे पांव नहीं जलने चाहिए। फायर।
पता नहीं सर। गाड़ी पीछे लो, जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, ले रहा हूँ सर। जल्दी करो, पीछे गाड़ी है सर। गाड़ी पीछे लो, जल्दी करो। क्या? जल्दी करो, ले रहा हूँ सर। गोली गाय को नहीं चली बे? शायद रिवॉल्वर अटक गई होगी। रिवॉल्वर हट गई थी, आपने जो बोला वही किया मैंने। प्लीज प्लीज, नहीं भाई प्लीज, मेरी गलती नहीं भाई प्लीज। ए मराठे, सलाम बिज्जू, मामू का आधा बेटा। अरे डरो ना को यारो, पाशा थोड़े दिनों के लिए नहीं दिखता, वो पुलिस का इज्जत रखना पड़ता है ना, इसलिए उन्हें सरक गया। मामू खटमलों को खिला रहे, देख ये नजराना है हैदराबाद की तहजीब, क्या प्यार से काम होता बाबा। मामू दिन भर पत्ते खेलते बैठते, धंधा चलते रहता, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हुए तो 100 की गड़ियां लेके मामू कने आ जाना। मतलब पैसा खत्म, प्रॉब्लम खलास? ये खलास तुम्हारा क्या गिलास की तरह गलीस लफ्ज है, हैदराबाद में खलास वलास नहीं बोलते। तो यहाँ क्या बोलते? प्रॉब्लम बरखास। आजकल अपना स्टार बहुत डाउन है बाप। क्यों, क्या हुआ? पुलिस वाले मेरा दोखो का माल अंदर कर दिए, मामू साला मेरे को गालियां दे रहा मालूम है। कौन सा माल? अरे वो अपना रेगुलर चरस गांजा, 10 करोड़ का कोकीन ले लेके आ, मैं ऊपर वाले की दया से उनको नहीं मिला, वरना मामू मेरा गर्दन अलग कर देते थे, बोल रहा हूँ। अरे आपने पुलिस वाले को खिलाया नहीं क्या? अरे सबको खिलाया रे, अप टू डाउन, पर महाराष्ट्र बॉर्डर का ने क्या की कोई नया टास्क फोर्स है। टास्क फोर्स? अरे वो बोला मैं टास्क फोर्स है, उन्हें माल लोग सब अंदर कर दिए, अब मेरे पास आदमी अभी नहीं है। मैं हूं ना भाई, आप जो बोले कर सकता हूं। तो चल ठीक है, आज शाम को तेरे को दिखा तो। चल चल जा, आ जा। ए, मेरे को ना ऐसा 2-4 गाड़ी में माल छुपाने का है, किसी को भी पता नहीं चलना। लेकिन विजू भाई, बैलगाड़ी क्यों? अरे ये मेरा नया आइडिया है बाप। देख, बैलगाड़ी को ना कोई वे बिल लगता है, ना कोई पेपर्स, बॉर्डर कभी भी क्रॉस कर सकता है कच्चे रास्ते से, ना कोई खटमाल, ना कोई चेक पॉइंट। तू मेरे को एक छोटा बॉक्स बना दे जिसपे किसी को शक ना हो। यहां कोई बॉक्स बॉक्स नहीं बन सकता, सोचना ही बेकार है। अरे इधर देखना, इधर घास सकता है। अरे इधर घास रहता है चारे के लिए, भैंस मुंह लगाएगा तो चरस खाएगा, आसमान में उड़ना शुरू कर देगा। तो फिर क्या करना? एक मिनट, बन गया बिजू भाई, बन गया। हाँ? ये विनायक आपके लिए ऐसा बॉक्स बनाएगा, पुलिस क्या, पुलिस का बाप भी नहीं ढूंढ सकेगा। तो चल मेरी जान, अब सामान दिलाओ, मैं यू शुरू हो जाता हूँ। ओके।
ओके 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 देखिए आपका बक्सा ऑलमोस्ट रेडी। ये बक्सा है, ये तो बैलगाड़ी की लकड़ी है बाबा। हम तो माला माल हो जाएंगे यार। पिया मेरा बंजारा, मेरा पिया बंजारा, पिया मेरा बंजारा, ओ पिया हुआ बंजारा। ए रुक, आ जा रहा तुम लोग, तलाशी लेनी है हमें। तुम लोग बाजू उठा रहे सब, सब तलाश करो। हाँ देख रहा हूँ सब। देख देख, अच्छा देख। सो, मेरा पार्टनर बन जा तू। क्या? तेरे पे भरोसा करता हूँ मैं। यला पी। देख भाई, दारू बेचने वाला दारू नहीं पीता। चरस पी सकता है, लेकिन चरस जो है ना यारी की निशानी है। जब दो लोग मिलके पीते तो दिल से एक हो जाते हैं मेरे दोस्त। चढ़ गए तो? अरे लड़कियां है ना चंपा। कहाँ लेके जा रहे हैं बिजू भाई? विटामिन की गोली। ये ममता है? अरे मुन्नी उसकी सहेली। ए जानी मुमताज। अरे अच्छे खानदान की लड़कियां हैं, रंडिया नहीं है। जो भी करना स्टाइल से करना। मतलब एक अकड़ के मांगा तो लाफा गिरता, प्यार से मांगे तो सब कुछ मिलता। समझाना मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे सुन, तू छक्का तो नहीं है? ए बिजू भाई क्यों? हाँ नहीं, वो मुन्नी बोली तुम लोग सारी रात खाली गप्पा मार रहे थे। अच्छी घर की लड़की है ना? हाँ तो अच्छे घर की लड़कियों को मर्द नहीं होना क्या? बिजू भाई अल्लाह मेहरबान। अरे भरदा मेरी झोले। सुना है तुम लोग बहुत मस्ती करके आए। बैठ। देखा पत्ते? देखा बस मामू बस। अरे ले रे जय भर ले, मैं नजराना दे रहा हूँ। बस मामू बस बस, बहुत हो गया। मेरी जेब नहीं, मेरा दिल खाली था और वो आप सबके प्यार से भर गया। मुझे और क्या चाहिए?
क्या चल रहा है वहां? बस बैठा हूं। कर कुछ नहीं रहे? ज्यादा कुछ नहीं बाबूजी। पाशा से मिले? कौन? हाँ वो कल ही मिला था। पाशा से मिलने के लिए टॉप लेवल के क्रिमिनल्स आते जाते रहते हैं। उनका सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है ये। इसका असली नाम कोई नहीं जानता। इसका कोड नाम है साया। इंटरपोल ने 1 करोड़ का इनाम रखा है इसके सर पर। और ये उसका डेप्यूटी मुस्तफा। इतना ही नहीं, इन दोनों को CIA भी ढूंढ रही है। वहां से भी माल मिलेगा डॉलर्स में। तू किसके साथ काम कर रहा है? बीजू? हाँ। उसके कोकेन और चरस के धंधे में? हाँ। चल उसके बारे में बताओ। सुना है उसने फिर से धंधा शुरू कर दिया है। अच्छा, मुझे नहीं पता। तू गया था ना उसके पास? कैसे छुपा कर ले गया था वो माल को? आज मेरी ट्रीट, पार्ट टाइम नौकरी मिली है ना। ओह ग्रेट, कंग्रेट्स। चीयर्स। चीयर्स। आज रात को फिल्म देखने चलते? हाँ। कौन सी देखनी है? एनीथिंग। कौन सी अच्छी चल रही है तुम बताओ ना। सैंडविच खाओ। So say something now. You say something now. यारे क्या कर रहा है इधर? क्या हुआ? अच्छे घर के लड़कियों को फंसा रहा? इंस्पेक्टर साहब तमीज से बात करो। इंस्पेक्टर उसने तमीज से बात कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। नहीं मालूम मैडम। छोड़ो। 4 साल का रिकॉर्ड है हमारे पास। ये झूठ बोल रहा है। कौन सा रिकॉर्ड? झूठ बोल रहा है। बोल रहा हूँ। अब जाइए यहाँ से। मैं सब जानती हूँ इसके बारे में। सब जानती है? हाँ, और अपनी मर्जी से आई हूँ। चल। ये झूठ बोल रहा है। जो भी बोला सब झूठ है। मैं रोशनी, मैंने कुछ नहीं। कुछ मत कहो। मैं जानती हूं तुम वो नहीं हो सकते जो ये लोग कहते हैं, पर तुम वो भी नहीं हो जो तुम कहते हो। नहीं जानती तुम्हारे बारे में क्या सोचूं। रोशनी मेरी बात सुनो। मैं प्लीज हमारी दोस्ती को यही छोड़ते हैं। रोशनी, ढूंढे दिल सदियों से अनजाने राहों में। समझा पार्टनर, इस दफा दिल पे मत ले यार। मतलब? गप्पा नहीं मारना, मर्द बन के देगा। क्या आदमी बिजू भाई। मुमताज मिलो। चल मेरी बात। अरे अरे संभालिए संभालिए बिजू भाई। बिजू भाई, बिजू भाई क्या हुआ? खून? बाबूजी विनय, मतलब तू कौन है? बिना तू कौन है?
प्लीज। अपनों का ना कभी गैरों का बन सका, सांसों की आरज़ू का हिस्सा ना बन सका, मेरे वजूद को सबने भुला दिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया। मैं जानता हूं तू जान हथेली पर लेकर घूम रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूं ये तेरा आखिरी असाइनमेंट होगा, इसके बाद तुम्हें मुखबिर का काम नहीं करना पड़ेगा। विनायक उठो आराम से ले। मुझे माफ कर दो। कितने बार बोलता रहे तू इस धंधे में ऐसा ही छोटा, तेरी क्या गलती, तू भी तो मर सकता था ना। कैसा है तेरा मुन्ना देखा? मुस्तफा पाशा से मिलने आता है, तू मुस्तफा को पकड़वा दे, तेरा काम खत्म। एंगल गलत हो गया रे, नहीं तो बीजू के साथ तेरा भी ओके टाटा गुड बाय था। बहुत हो गया लौट फिर, चल बाहर ठहर। अब विनायक बच्चा को काय को भगा दिए, उसको आराम करना ना। बच्चा होना तो आज से 9 महीने में दिला देता हूँ, समझी? दिलाता दिला बहुत गर्मी चढ़ गई तेरे को, सब इस विनायक की वजह से। वैसे तेरा गला काटने को मन करता है रे, लेकिन एक्चुअली तो लक्की है मेरे लिए, पहले चरस में 5 खोखा प्रॉफिट, फिर बिजू की मौत, 2-2 जैकपॉट तेरी वजह से। हाँ नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया। नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, क्या रे हिला हिला को बोलता पोटी की तरह। मेरा मूड बना ना, तेरे को भी रख लेता हूँ अपने पास। क्या उम्र क्या तेरी? 20-21। खोला कोई तेरा? भाई मैं बच्चा नहीं हूँ, मर्द हूँ। मर्द है रे तू, तो मर्द की तरह बोल, देख कर ले, गाड़ी को ले गया, धंधे में उतार देना तेरे को। जब वो गाड़ी साफ करना। काम पे लग जा। भारत में इंसान की कदर नहीं, जिंदगी की कोई कीमत नहीं। जब भी कहीं बाढ़ या भूकंप आता है तो लोग बिखर जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। गरीब लोग अपनी बेटियों को बेच देते हैं, किसान तो खुद का शरीर तक बेचने के लिए तैयार हो जाता है। विदेश में इनकी बहुत डिमांड है। एक 19 साल का नौजवान जिसको 20-25 हजार में खरीदते हैं, उसका शरीर काट काट कर बेचने से 1 करोड़ मिलता है। सब जाल बिछाएं तो ये पाशा जैसी मछलियां यूं ही फिसल जाएंगी, इसीलिए मुझे मगरमच्छ की तलाश है, मुस्तफा जैसा, जिसे पकड़ने से ये धंधा रुक सकता है। आंख बंद करने से धंधा नहीं चलता, मेरी बात समझ रहे ना भाई? वो क्या है? उसको इंडोस्कोप बोलते हैं, और वो है ना उसके अंदर कैमरा है, उससे पेट के अंदर फोटो लेते हैं छोटे कंप्यूटर से। अच्छा वो आइए आइए मुस्तफा भाई। आशा भाई हमको याद ही नहीं करता। बोलो तो कलेजा चीर के दिखला दो। अरे यार आइए। कासिम बॉक्सेस 2-3 घंटे में शिप तक पहुंच जाएंगे, फौरन चॉपर से लिफ्ट करा दे। और ये उसका डेप्यूटी मुस्तफा, इतना ही नहीं इन दोनों को CIA भी ढूंढ रही है।
आया संदेश जनाब, पार्सल में क्या भेज रहा है? भूख लगी है। एक प्लेट चिकन अफगानी और साथ में तंदूरी रोटी वगैरह। बहुत खूब। सेठ जी को नहीं मालूम, खाना फ्री है लेकिन वो बेरे रहना, उस बच्चे को टिप जरूर मिलनी चाहिए। बेशक। शुक्रिया पाशा भाई। अल्लाह हाफिज भाई। शुक्रिया जनाब। खुदा हाफिज। चल रहे। वो भी अपना काम करेक्ट एज की जबरदस्त हो गया। मेरा कुछ नहीं है भाई, सब आपने किया। जिसने भी किया अच्छा किया। ऐसा ही करता रहा देता हूँ तेरे को। शुक्रिया भाई। पलट मेरी चिकन अफगानी। गुड नाइट। खुदा हाफिज। कुछ इस तरह से मैंने जीवन सजा लिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया। हेलो। जरूर चार्ली। बोलो चार्ली। तुम्हारे लिए खास खबर है, लिख लो। मुंबई से हमें अभी अभी खबर मिली है कि वहां समुद्र तट के पास बक्सों में भरे मानव अंगों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। ये मानव अंग 20 बक्सों में भरे हुए थे और माना जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अंग कारोबार के लिए यूरोप और अरब देशों के लिए भेजे जाने वाले थे। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं मुस्तफा की, जो इस मुठभेड़ में मार गए। हेलो। घोर पड़े। हाँ। तुम्हारे दो कुत्तों की वजह से ही हुआ, रहमान और राठौर, लेकिन हमको उनकी नहीं, उनकी मुखबिर की खाल चाहिए। मुस्तफा भाई की मौत का बदला लेना जरूरी है। मुंह मांगा इनाम मिलेगा। हेलो राठौर, आईजी इंटेलिजेंस कोर पड़े बोल रहा हूँ। ओह यस सर, कहिए। यार ये मुस्तफा की किलिंग ने सबको शॉक में डाल दिया। आपका मतलब अंडरवर्ल्ड को? हमको भी। मुस्तफा का भाई इजिप्ट में बहुत बड़ा टॉन है, बहुत प्रेशर है मुझ पर। प्रेशर किस वास्ते सर? वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे कोई मुखबिर की वजह से मुस्तफा मारा गया। हेलो, हेलो राठौर। ये सर, सर मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मुंबई के एसपी इंटेलिजेंस रहमान को जानते हो तुम? वैसे जानता तो हूँ सर। उसको किसी ने मुस्तफा के बारे में बता दिया। ओ, तो अच्छा यही होगा सर कि रहमान साहब से इसके बारे में पूछा जाए। वो नहीं बताएगा, वैसे भी रहमान को सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली थी, इन्फॉर्मर का नाम नहीं। मैं क्या कर सकता हूं सर? मुझे नाम चाहिए राठौड़, एक आदमी का नाम बस।
मेरे पास ऐसा कोई नाम नहीं है सर। 20 लाख का ऑफर है, सोच लो, शाम को फिर फोन करूंगा। शिट। अच्छा तो भूलना नहीं है, ठीक है। एक मिनट बाबा, तेरी तिजोरी में जल्दी ही 12 लाख जमा हो जाएंगे, लेकिन तुझे अभी नहीं निकाल सकता। सब तेरे पीछे पड़ जाएंगे और तुझे ढूंढ निकालेंगे। कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रुक जा, मुझ पे भी दबाव बढ़ रहा है, और होशियार रहना। ए! निकालो सबको! चल चलो दिया मुस्तफा भाई, चल भाई, कौन टिप दिया? अरे क्या कर रहे हैं, छोड़ दे मुझे। अरे क्या हुआ यार, अरे क्या कह रहे हैं? देख मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, इसने किया क्या? चुप, मैं नहीं जाता, मैं कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता भाई, मैं कुछ नहीं जाता हूँ, कुछ नहीं जाता हूँ। बोल क्या कर रहा है मैं तो? ये मामले को लाइटली मत लो मामू, मुस्तफा भाई की मौत की जिम्मेदारी अपने को ही लेनी पड़ रही। अब या तो मुखबिर मरता या अपना गला कटता। अच्छा तेरे को कैसे मालूम कि इन बच्चों में से कोई गद्दार है? तो और कौन होएगा मामू? ये यूसुफ, रजा, श्रीकांत, ये सब मेरे लोग हैं, इनमें से तो नहीं हो सकता। तो और बचा कौन? तू क्यों नहीं हो सकता बे? मैं ये एंगल से तो मैं सोचा ही नहीं। हाँ, वैसे हो सकता हूं मैं। या तो तू इन बच्चों को छोड़ दे, नहीं तो तेरे को भी बांध कर ऐसा ही पूछता हूं। आराम से मामू, आराम से। डॉक्टर ने बोला है कि तेरे बाद ही जाऊंगा, पहले नहीं, फिक्र ना करना। होने वाले दामाद को ऐसा नहीं बोलते, तेरे को मालूम नहीं मां बनने वाली है तेरी बेटी। तेरे को कैसे मालूम कि तू ही उस बच्चे का बाप है बे? अच्छा नहीं पूछता, बस। सर मेरा कोई आदमी उस काम पर नहीं है। तुमने डिपार्टमेंट से रिपोर्ट भी कलेक्ट किया तुम्हारे गुमनाम इन्फॉर्मर के नाम पे, और कहते हो कोई नहीं है। तू जितना जिद पे अड़ा है वो लोग उससे ज्यादा जिद पे अड़े हैं। कौन है वो, कहीं तेरा बेटा तो नहीं? फाइनल ऑफर 30 लाख। उड़ा दो। संभाल के रे। अरे मामू का पूरा गैंग है यहाँ पे। कौन तो भी है? इधर आओ रे, आओ सभी लोग इधर। चल 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 आगे बढ़, चल। देखो इसे, इन्होंने छह मुस्तफा भाई का कातिल। सुन रहे हैं एसपी साहब, हमें एक नाम चाहिए, बस इशारा कर दो आप। आपको बाइज्जत घर छोड़ के आतूं मैं, पाशा का वादा साहब।
कैलाश की जान तुमने फिर से खतरे में डाली। कैलाश नहीं मरना चाहिए, वादा करो। ये नकाब कभी निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नकाब ही तुम्हारी सच्चाई है, क्योंकि ये नकाब ही तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारी हकीकत है। इन्फॉर्मर है तू इसका? नहीं, तेरा बॉस है रे। नहीं जानता मैं उसको, नहीं कभी 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 देखा ही नहीं मैंने उसको। देख देख देख, ध्यान से देख देख, क्यों रोया था बता, क्यों रोया था? उन्होंने मुस्तफा भाई को मार डाला। हाँ तो वो मेरे भाई थे, तो उनकी वजह से धंधा चलता है। हाँ हाँ, तो दुख हो रहा था कि दुख हो रहा था तेरे को बता, क्यों दुख हो रहा था, क्यों दुख हुआ बता, किस कारण से मुस्तफा भाई की मौत हुई? इसलिए रो रहा तू, इतना दुखी मुस्तफा भाई की मौत से? हाँ हाँ भाई, एक काम कर, इधर, तेरे मुस्तफा भाई को मारा नहीं है तू, इसको टपका डाल। ले, तेरे पास एक गोली, मेरे पास एक गोली, छह का आंकड़ा शुरू। चाहे कुछ भी हो जाए, सीने पर कोई बंदूक भी रख दे, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा कभी नहीं दिखना चाहिए। अरे तू सच्ची तेरी मेरी गन तो खाली थी रे। सुन रहे तुम लोग, मर गया ये पुलिस का कुत्ता, मुखबिर का नाम भी मालूम नहीं चला हमको, मुस्तफा भाई की मौत का बदला हुआ नहीं, अभी घर में बैठ के पत्ता खेलते रहते तो ऐसा ही छोटा। थैंक्स जान, मेरे लिए बहुत लक्की है रे तू, थर्ड टाइम लक्की, हैट्रिक। थर्ड टाइम लक्की, हैट्रिक। तू कौन है? मैं अपना दिल साफ रखूंगा बाबूजी, किसी की जान नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फायर, फायर, फायर। मामू, सुना है बंबई के पास कुछ काम हो रहा है हमारा, क्या मैं जा सकता हूं? तेरे को जाने का है, हैट्रिक हो गया ना, बस जा।
सुन, मामू की मैयत के लिए नहीं रुकता, गुजर गए कल रात। क्या जान दे यार, पागल है। कुछ मिला? पानी बहुत गहरा है, कभी कभी बड़ी मछलियां भी आती है यहाँ पर। कुछ हफ्ते पहले मेरे भी याद आई थी, बहुत बड़ी मछली, उसका नाम भी था मुस्तफा। रहमान, एसपी इंटेलिजेंस। खुदा हाफिज। राठौर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, उसे पता था उसकी जान खतरे में। आखिरी बार जब उसका फोन आया तो उसने मुझसे यही कहा, कैलाश का ख्याल रखना, मेरा दिया हुआ वादा टूटने मत देना। अब तुझे ये काम करने की कोई जरूरत नहीं, तेरे बारह लाख सही सलामत है, तू आजाद है। तो इसी वक्त मेरे साथ निकल, मैं तुझे एक नई जिंदगी, एक नया नाम दूंगा। रहमान सर, आप मेरे लिए काम करेंगे? वो 12 लाख रुपए निकाल कर राठौर साहब की बीवी मेरे लिए माची उनको दे दीजिए, और कहिए कि लाचार बेटे ने दिया है, उसे स्वीकार कर ले और हो सके तो उसे माफ कर दे। यहाँ बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, बारूद आ रहा है, बहुत सारे फिरंगी लोग भी। इस छोटे से गांव में बैठकर मैं उनका खेल सिर्फ किनारे से देख सकता हूँ। अगर आप किसी भी तरह मुझे उनकी जड़ तक पहुंचा दे, मैं उनका राज ढूंढ निकालूंगा। ख्याल बदलेगा तो नहीं? तुझे यहां से निकालने के लिए और वहां बिठाने के लिए मुझे 2 बकरे काटने पड़ेंगे। सर जी, आपको मेरे यहां का पता कैसे मिला? क्यों, तुझे क्या लगता है तू अकेला इन्फॉर्मर है डिपार्टमेंट का? हैं? कौन है? ये लाश की तो शिनाख्ती नहीं हो सकती, मजनू पूरा सर कहां? अरे ये शर्ट तो विनायक का था ना यार, इसका तो सर ही गायब है। जिसे आपने मेरे नाम पे मारा वो कौन था? क्या उसका गुनाह मौत के लायक था? तेरा उससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन सर, ऑपरेशन को हैंडल करने वाले लोग इस्माइल के थे। इस्माइल मुंबई की अंडरवर्ल्ड से है, उसकी पहुंच इजिप्ट, यमन और रशिया की माफिया तक है। शायद उसकी कैंप ही ऑपरेशन की जड़ है, पर ये
अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। मैं तैयार हूं। Are you sure? क्यों कर रही है तुम? क्यों कर रहा हूं? अपने बाबूजी की मौत का बदला लेने के लिए। उन्होंने अपनी जान देकर मुझे जिंदा रखा। एक प्रॉब्लम है, इस्माइल किसी हिंदू को नजदीक आने नहीं देगा। तुझे मुसलमान बन के ही अंदर जाना होगा। तो क्या हुआ, बन जाऊंगा मुसलमान? ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है बेटा, एंट्री टिकट बहुत भारी है, इंजेक्शन चढ़ा के सब सच उगलवा लेंगे, फिर ही अंदर आने देंगे। तो फिर तुझे इस्लाम कबूल करना होगा, सच्चे दिल से, पूरी तरह से, और कोई रास्ता नहीं। क्या आप अपनी मर्जी से और सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल करते हो? हाँ, मैं अपनी मर्जी से और सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तेरा नाम शहजाद खान है। तेरे वालिद का नाम गुलाम अहमद खान है। तेरा जन्म अलीगढ़ में हुआ। तेरी तालीम सातवीं कक्षा तक अलीगढ़ गवर्नमेंट स्कूल में हुई। उसके बाद तूने 5 साल वही मदरसे में पढ़ाई की। फिर तुझे जलालाबाद भेजा गया, लेकिन वहां के उनके डॉक्टरों ने तुझे हथियारों के ट्रेनिंग के काबिल नहीं समझा। तो 3 महीने उनकी अरबी रसोई में काम करता रहा। फिर तुझे वापस अलीगढ़ भेज दिया गया और स्टैंड बाय पे रखा। कैलाश, मुझे माफ कर दो। मुझे देख बेटा, तू किस बात की माफी मांग रहा है? तू और कर भी क्या सकता था? तुम्हारी माँ जी हमेशा तुम्हारे साथ है। बिस्मिल्लाह। तेरी मासूमियत का फायदा उठा रहे ये लोग। तो जिस रास्ते पे निकला वहां से वापस नहीं आ सके। मैं अपने पति को तो खो चुकी हूँ, बेटे को नहीं खोना चाहती। अपने माँ जी के पास वापस आ जा बेटे, वापस आ जा। बिस्मिल्लाह। सर, आप एक बेगुनाह बावर्ची को मारकर मुझे भेज रहे? हमने शहजाद को नहीं मारा, हम भी बेगुनाहों को नहीं मारते। जलालाबाद में उसकी टॉर्चर हुई, इसलिए वो हमारे पास आया। आंखें खुल गई उसकी, सही वक्त का इंतजार करने हमने उसे अपने घर भेज दिया, और अब सही वक्त आ गया। कल वो अपने लोकल लीडर से मुंबई आने की परमिशन मांगेगा। जैसे ही वो वहां से निकल कर हमारे पास आएगा, तुम यहां से निकलकर इस्माइल के पास उसकी आइडेंटिटी लेकर पहुंच जाओगे। यूसुफ भाई कौन है? शहजाद खान। पैंट उतार। क्यों उतार? सर जी, इस तरह मुझे कटवाने की क्या जरूरत थी? सर से पांव तक जांच होगी तुम्हारी, और वैसे असली मर्द की निशानी है ये। और फिर मियां, तलवार को मयान में कब तक छुपाए रखोगे? हैं, तुम्हारी आंखों की तस्वीर यानी रेटिनल चेक करेंगे वो लोग, इसलिए हमने तुम्हारी आंखों की तस्वीर शहजाद के नाम से उनके कंप्यूटर में एंट्री कर दी। ऑल द बेस्ट, इस परीक्षा में तो तुम पास हो जाओगे।
शेर की गुफा के अंदर पहुंचा तो देंगे, लेकिन उसके बाद शेर तुम्हारे साथ क्या करेगा उसी की फिक्र है। सलाम अलैकुम इस्माइल भाई। वालेकुम अस्सलाम। होशबाज़ अरबी कोजा युद्ध गिरफ्ती जलालाबाद। खूब मर्दोन खैली जियोद हसन करो खूबानो। चैश मुकरमो पुकर। जा बेटा काम पे लग जा। چیکار میکنی؟ خوراک درست میکنم. عربی غذا بلد هستی؟ بله میتونم. اینجا غذا عربی درست میکنن. آقا کار نشونش بده. بیا کار مگو. सिगरेट पी गए? ये गाड़ी कहाँ जाती है? दादर। हाँ बोलो भाई क्या चाहिए? चार चॉकलेट देना। कितना? 50। चाहिए? थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा ये फैक्स कौन चलाता है? मैं। क्या नाम है तेरा? मंजूर। मैं शहजाद हूँ, वहाँ हवेली में काम करता हूँ। अच्छा बाद में मिलते हैं। ठीक है। ढाई सौ 300 फिरंगी आए हैं, अलग अलग जगह हमें रखा उनको। तुझे कैसे पता? इस्माइल ने बहुत बड़ा लंगर खोला है, खास अरबी खाना बन रहा है उनके लिए। इस्माइल के साथ कोई और है? नहीं। पक्का? ले। तस्वीर पहले भी देखी है, इसका कोड नाम साया है, आदमी को कभी नहीं देखा। इस्माइल को टारगेट बना के रखना, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इमरजेंसी में बाहर खबर भेजने का रास्ता बना लिया? बन जाएगा। मंजूर, मंजूर ये रख, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है, ये ले। हाँ तेरे लिए बना। कैसा है? बहुत अच्छा है। अपने भाई को भी खिलाना। ठीक है शहजाद भैया, कल भी आओगे? चल जा जा।
क्या हुआ? फोन कहाँ से आया? मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे बता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। भाई भाई मुझे छोड़ दो भाई, भाई फोन कहाँ से आया? मुझे पता क्या ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं मालूम। ए दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। शिजा भाई बुला, मैं पीछे जाता हूँ, मैंने कुछ नहीं भाई। लो ले लो। हमारे साथ रहना है तो हम जैसा बनना होगा। लो आज को रोशन ना लाई डिटेक्टर। यस। तेरा नाम क्या? नाम विनायक विनायक मराठे। उसके पहले कुछ और था। उसके पहले कुछ और बहुत सारे नाम है मेरे, बहुत सारे नाम है मेरे। कौन सा असली नाम? कौन सा बताऊं? नाम मैं अपनी मर्जी से और सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल करता हूँ। तेरा नाम शहजाद खान है? मेरा नाम शहजाद खान है। तुझे वापस नौका है। मैं क्यों जवाब दूं? तुझे वापस नौका है। अरे क्यों पूछ रहे मुझे? बोला ना, मेरा बाप मर गया करके। अरे अणी काय पाहिजे तुला? याद रखा, शहजाद को सिर्फ अरबी, उर्दू और हिंदी आती है। आपने क्या कहा? तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? तेरे वालिद का नाम गुलाम अहमद खान है। मेरे वालिद का नाम गुलाम अहमद खान है। पेपर ही देश। तू सारी रात दुकान में बैठा रहता है? हाँ भाई, पर कभी कभी सो जाता हूँ। सुन, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक लव लेटर फैक्स करना चाहता हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं हूँ ना भाई, एक नहीं जितने चाहो भिजवा दूंगा। आज ही शाम को तुझे मैं एक रॉकेट बनाकर भेजूंगा उसे। उसे तो फैक्स कर देना और काम होने के बाद सिटी बजाना अपना पर्सनल सिग्नल। ओके। और खा, चल।
I love you too. Sir, Aye, sir. चार इन्फॉर्मर्स के नाम। आपके चार लोग काम करते हैं मेरे यहां? कितने कुत्ते पाल रखे हैं आपने? क्यों चाहिए? एक आदमी का 1 करोड़ दिया है ना, और क्या वजह चाहिए? पैसा रंडी भी तो कमाती है, हमको इज्जत भी संभालना पड़ता है। आप जानते हैं हमारा गोल्ड का धंधा था, बड़े लंबे अरसे के बाद काम शुरू हो रहा है। बड़े बड़े कंसाइनमेंट आ रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए नाम चाहिए थे। वो बारूद, वो फिरंगी, उसका क्या? तुम्हारे कुत्तों ने आधी कहानी बताई। वो सब एक्सपोर्ट का माल है, बारूद तो श्रीलंका चला भी गया है, और वो फिरंगी कुछ दिन के मेहमान है। इराक की लड़ाई से थक हार कर आए हैं, वापस वहीं जाएंगे। क्या करें, इंटरनेशनल कारोबार में नाम कमाना है तो ये सब करना ही पड़ता है। रहमान क्यों नहीं आया? सन की है साला, आपको पहले ही बोला था ना। यानी इन चार नामों में रहमान का आदमी भी है? एक तो है, उसने नहीं बोला, हम लोगों ने ही ढूंढ निकाला। उसका और भी कोई छुपा हुआ इन्फॉर्मर हो सकता है? लगता तो नहीं। नजर रखिएगा, डिपार्टमेंट की नजर तो हर जगह रहती है। वैसे इस ऑपरेशन में आप अकेले हैं, कोई साया तो नहीं? साया? आईजी साहब, इस कारोबार में मैं इतने बरसों से हूं कि मुझे कोई पार्टनर की क्या जरूरत है। दो खोखा और लगेगा, कल शाम तक भेज देना। मेरी और नजर क्यों घुमाई? उसने अचानक पूछ लिया, इसलिए गोली भी अचानक चलेगी। माफी चाहता हूं सरकार। इन्हें राउंड अप करो। जी जी। hey, चल 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 भैया। तूल नाम कैसे चाचे सुन रहा भगवान। प्रशांत तो दसूस तो स्थान जनानों में उम्मीद है। ये हरम ज्यादा आबुदान उषा उषा तू मुखबिर है। सच बोल और दर्द सहना नहीं पड़ेगा। मुखबिर बरकोशिश मर गुशा तुशो। मैंने देखा है उसको, साया को।
ये देखें भैया, डिपार्टमेंट बिक चुकी है। सालों ने रिपोर्ट बना ली कि सिर्फ सोने का स्मगलिंग हो रहा है, सबके सब बिक चुके हैं। चार लोगों को कल खत्म कर दिया। हमारे ही आदमी थे, उसमें से एक मेरा खबर ही था। कुछ बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, क्या है मैं बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ स्मगलिंग का चक्कर नहीं है। मैंने भी थोड़ी बहुत दुनिया देखी है सर जी, प्लीज मेरी बात मानिए। सबूत लेकर आओ कैलाश, वो क्या करना चाहते हैं, उनका प्लान क्या है, फिर देखो दुनिया घुमा दूंगा, सीधे होम मिनिस्टर तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अब इस वक्त मेरा भी पीछा कर रहा है मेरे डिपार्टमेंट के लोग। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे कारण तुम तक पहुंचे। सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया तो सबूत पहुंचाने का दूसरा रास्ता भी है। कौन? तुम्हारी माँ जी। माँ जी? उसको एंडोस्कोप बोलते हैं, और वो है ना उसके अंदर कैमरा है, उससे पेट के अंदर फोटो लेते हैं। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर राव हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। पाशा 5:30 की जेट एयरवे से मुंबई आ रहा है। पाशा मुंबई आ रहा है, और आप मुझे अभी बता रहे? 6:30 बज चुके, फ्लाइट लैंड कर रहा होगा। सर आई मेरी सॉरी सर, वो क्या है? अच्छा, उसका लेटेस्ट मोबाइल नंबर है आपके पास? सलामुअलैकुम पाशा भाई, मुझे मुंबई में एक मोबाइल नंबर ट्रैक करना है। नंबर है? क्या हुआ, ऐसी सूरत क्यों बना रहे? 20 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलाते चलाते हम लोगों की तो फटके हाथ में आ गए भाई। आपके पास GPRS ट्रैकर है? GPRS ट्रैकर एक्टिवेट कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना? प्रॉब्लम होता तो बारूद के साथ हम भी उड़ जाते थे। सैटेलाइट ट्रैकिंग शुरू हो गया है। बस स्टैंड निकलो, हैदराबाद गाड़ी में सो जाना। उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो रही है, आप उनकी आवाज सुन सकते हैं, रोक सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाशा भाई। वालेकुम सलाम इस्माइल भाई। वालेकुम सलाम। और चाहे तो कॉल को टेक ओवर भी कर सकते हैं। हमारी तरफ से सब ठीक हुआ ना? सही तरीके से, सही वक्त पर। माशाल्लाह, ये बात जाके जनाब को भी बोलिए ना। अरे वो खुद आपसे मिलेंगे, पहले रोटी बांट लेते हैं। चलिए। हैदराबादी कबाब खास आपके लिए, लीजिए। साथ में बम्बैया नान मिल जाए तो बात ही क्या। क्या बात। अरे भाई बिरयानी लाओ। क्या बात है पाशा भाई, खाना पसंद नहीं आया? नहीं। खाइए ना। वो लड़का, बहुत टाइम बाद देखे इसको, क्या नाम, विनायक मराठे? अरे नहीं नहीं, उसका नाम शहजाद खान है, वो यहाँ रसोई में मदद करता है। अरे अपना ही लड़का है, खाइए ना। अरे वाह मियां। पाशा जनाब, तुमने अपना वादा निभाया, अब हमारी बारी है। मैं आपका गुलाम हूं साहब, ये तो फर्ज था मेरा। शाम को मिलते हैं। जनाब जनाब, एक मिनट, सिग्नल थोड़ा खराब है।
छोटी सी बात थी जनाब। कहो। मेरे को हालात कुछ अजीब से लग रहे हैं। हम अपने कैंप में किसी अजीब चीज के लिए जगह नहीं रखते। आओ, मालूम जनाब, पर क्या बोलूं? एक बात है जो आप तक पहुंची नहीं शायद, या उन्होंने पहुंचाई नहीं। कौन सी बात? किसने नहीं पहुंचाई? हेलो रमेश, रमेश, अरे रमेश क्या कर रहा है तू? जनाब, हेलो जनाब, हाय बाबा, व्हाट्स हैपनिंग विद द वेव? हेलो, व्हाट्स हैपनिंग विद द वेव? एवरीथिंग ओके, लेट्स गेट आउट हियर। काय सांगते रे तू? हैं, खाना खाली देऊ का तुला? कोणाचं ऐकत नाही तू? तू काय करणार? कोणाचं ऐकत नाही तू? तू मला सांग ना काय करणार तू? हैं, कुछ खास क्या कहना चाह रहे थे तुम? एक पोटा है जनाब आपके इधर। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, हाँ कौन बोल रहा है वहाँ पर? क्या डिस्टरबेंस? ठीक है करना, एक गाड़ी भेज देना वहाँ पर। कौन बोल रहा है तुम लोग? हेलो हेलो स्क्वाड भेज देना, पूरा का पूरा स्क्वाड जाना जनाब वहाँ पर। फोन पे नहीं, फिल्म सिटी के आगे पवाई लेके बंड पे आ जाओ। आता हूँ जनाब। जनाब कहाँ पहुंचे पाशा? मैं पहुंच गया जनाब, आप दिखाई नहीं दे रहे। मैं दो मिनट में पहुंच रहा हूं। शिट, ये तो पूरी तैयारी में आया, कुछ करना होगा वरना वो बच्चा बचेगा नहीं। हेलो। हेलो बेटा, स्कूल से आ गया बेटा? हाँ पापा। बेटा अपने अम्मी को फोन देना। अम्मी बाजार गई पापा। बेटा अपने अम्मी का हमेशा ख्याल रखना। हाँ अच्छा पापा, पर पापा अब कहाँ हैं? यही हूँ बेटा, लेकिन जहाँ भी रहूँगा बेटा हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ओके, थैंक यू पापा। खुदा हाफिज़ बेटा। खुदा हाफिज़ पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। I love you too, beta. गोली लगा वो भी गलत एंगल। मैं पहले ही बोला था हालात ठीक नहीं है बोल के। जनाब वो एक पोटा है ना, वो क्या है? वो मतलब एंगल
गलत नहीं। कौन साथ में पाचा? क्या है उसका नाम? हाँ जनाब, कहिए। कैसा हाल है? ऑपरेशन अंडर कंट्रोल? जी। डिटेल्स जानना चाहते थे, भेज देना हमेशा की तरह सीक्रेट ईमेल आईडी पर। आज की टेक्नोलॉजी को हराने के लिए पुराने तरीके ही काम आते हैं। वल्ला? नेट, मोबाइल, कुछ भी सेफ नहीं रहा। बसलन, प्लान को कोई खतरा तो नहीं? प्लान अपनी जगह सेफ है। ज़ैन, फी अमानिल्लाह। प्लान अपनी जगह सेफ है। प्लान सेफ। ये रसोई का क्या हुआ? सब बंद, कल से जरूरत नहीं। फिर वो मेहमान? सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? तेरे को क्या मतलब उससे? जा अपना काम देख। अरे सुन, ये सब खाली सूटकेस क्यों? वो जो फिरंगी जा रहे हैं ना, शायद उनके लिए। अच्छा, इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। हम सब अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हमेशा की तरह जिंदगी की भीख मांगने नहीं आया मैं। मौत के लिए तैयार हूं, लेकिन हर कोशिश करने के बाद भी अगर मंजिल तक नहीं पहुंचा तो वो आखिरी चंद कदम मेरे हाथ पकड़कर मुझे ले जाना। पीछे हवेली जल रही है, आप मदद नहीं करेंगे? मुझे तो यहीं रहना है। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? ये कैसे हुआ? पता नहीं। जाओ, सारे बच्चों को इकट्ठा करो। जो हुकुम।
बैठो। कौन रह गया? वो नया बावर्ची। ढूंढो उसे। जो हुकुम। जिंदा चाहिए। के कमरे के पास बेहोश मिला। आपको ये मेरा पहला और शायद आखिरी खत होगा। रहमान साहब अब नहीं रहे। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं। मेरी हर बात पर यकीन कीजिए माँ जी। उनका प्लान इतना गहरा फिर भी इतना सरल था। मैं अभी अभी उन्हें समझ पाया हूँ। कल सुबह 9:20 से लेकर 9:27 तक 7 मिनट में 20 फिदायन सूटकेस में क्लस्टर बॉम्ब लेकर मुंबई की 20 इमारतों में विस्फोट करेंगे। जब बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? लाखों लोग सड़कों पर उतर आएंगे भाग जाने के लिए, ये समझकर कि ये रास्ता उनको सुरक्षा तक ले जाएगा। पर मौत उनके लिए इन्हीं सड़कों पर घूम रही है। 200 और फिदायन टैक्सियों में क्लस्टर बॉम्ब्स की सूटकेस लेकर अलग अलग जगहों पर खड़े रहेंगे। इनकी छिपने की जगह और ब्लास्ट की सारी डिटेल्स मैं आपको भेज रहा हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक होगा। लाखों बेगुनाह लोगों का खून बहेगा। सिर्फ आप ही हैं माँ जी जो इस खबर को सही लोगों तक पहुंचा सकती हैं और इसे रोक सकती हैं। रुक जाओ। पिता विग्रेश आबिसन इधर बैठो, इधर बैठो। हिलो मत। Oh!
मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, ना दर्द ना डर। यही बहादुरों की निशानी होती है। शाबाश। मल्टीपल फ्रैक्चर, आर्टेरियल रप्चर, धीरे धीरे जमीन तुम्हारे बहते हुए खून को पी लेगी और उसके साथ तुम्हारी जान को। तो इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है? एंडोस्कोप। अगर हमारा सबूत बाहर चले जाता तो हमारे मकसद का क्या होता? तुम्हारे कलेजे से ज्यादा तुम्हारी अक्ल की दाद देता हूं। यूर अ जीनियस शहजाद का, या जो भी तुम हो। जीनियस। ट्रूथ सीरम, वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट, उसको तुमने कैसे हारा है? उस वक्त तो तुम बेहोश थे। झूठ को सच समझकर तुमने अपने जहन में समाया। सच हमेशा सच है और झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा। इस्लाम को मैंने सच्चे दिल से अपनाया है और मरते दम तक मैं शहजाद खान ही रहूंगा। मैं सच नहीं, झूठ के बारे में पूछ रहा हूं। झूठ झूठ है अल्लाह के नाम पे उन मासूमों की जान लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। ये तबाही रोक दीजिए, ये इस्लाम के खिलाफ है। मरने वाले उन लाखों मासूमों की तरफ से मैं आपसे भीख मांगता हूं, उनकी जान बख्श दीजिए। अगर तेरे पास वक्त होता तो तुझे अपने रास्ते पर चलने से कहता, पर अफसोस तू तो जा रहा है। प्यार से जा, ये रहे तेरे दुश्मन की सलामी। हाँ ठीक है, एक मुखबिर प्लान तक पहुंच गया था लेकिन हमने उसे पकड़ लिया। केफल राज उसके साथ ही मरेगा। कहाँ है वो? यही मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और कल का क्या? वही होगा जो हम चाहते हैं। सही ना, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा हाफिज। दुआ है तेरी,
निकले कदम खुशी से, ये खून रंग लाया, शिकवा नहीं किसी से, रब्बा मर्जी तेरी नहीं तो क्या कर सकेगा कोई, ऐसा है वो तुम्हारे, कुछ पल रहे हैं बाकी, रब्बा भी नहीं बचना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना। यस सर। सर, इन्फॉर्मेशन सही निकली। ताजुब की बात है कि अटैक की तैयारियां हो रही हैं सर, अगले 30 मिनट में हमला होगा। फैक्स पर जो निशान था, क्या वो खून का था? लगता तो है सर। मतलब वो घायल है, उसकी जान बचाना हमारा फर्ज है। लेकिन सर, उसका नाम शक्ल कुछ भी पता नहीं। जुमीन एक अकेला आदमी जो पूरे मुंबई को बचा सकता है, हम उसे नहीं बचा सकते? जाइए, रातों रात ऑपरेशन खत्म करिए। सवेरा होने पर किसी को पता तक नहीं चलना चाहिए कि इस रात ये देश किस खतरे से गुजरा। कम ऑन सर। गुमनाम जिंदगी, अनजान रास्ते, चलते हैं साथ साथ सदियों के फासले, जीने की आरजू ने मुखबिर बना दिया, जीने की आरजू ने मुखबिर बना दिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया। पचास स्टिंग मिसाइल, 1000 स्टन ग्रेनेड्स, जंग शुरू करना चाह रहे हो क्या? मैं आपको सामान के लिए पैसा देता हूँ, सवाल पूछने के लिए नहीं। ठीक है, ये मेरा नया असिस्टेंट Emmanuel Gonzalez, आपका ऑर्डर हैंडल करेगा। हाय, आई एम गोंसाल्विस। सब प्लान के हिसाब से हो जाएगा, डोंट वरी। समंदर बहने दे सांसों के अंदर, तन्हाई
चल साथ रहे, गम के साए में खुशी है, मान मेरी बात रे। जख्मों का साथ समंदर, तहने दे सांसों के अंदर, जख्मों का साथ समंदर।